अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। अमूमी तौर पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले और खसूसी तौर पर यूट्यूब इस्तेमाल करने वाले को इस मुश्किल का सामना रहता है कि जब भी वो यूट्यूब पर कोई चीज़ सुनना चाहते हैं, कोई चीज़ प्ले करना चाहते हैं, तो उनको जिस मुश्किल का सामना होता है वो सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वो जब कोई वीडियो प्ले करते हैं, जब कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, तो उसको वो बैकग्राउंड में नहीं सुन सकते, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें वो वीडियोस देखना पड़ती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आदमी कोई गाना सुनना चाह रहा होता है लेकिन उसके साथ साथ वो मैसेजिंग भी कर रहा होता है और व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करना चाहता है, फेसबुक भी इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं जो हैरान कुन हद तक ये तमाम तर काम करेगी। कैसे, आपको अभी बताते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप अपने ऐप स्टोर में जाएंगे और ऐप स्टोर में जाने के बाद वहाँ पर PYB म्यूज़िक लिखेंगे तो आपके सामने एक ऐप आ जाएगी। आपने इसको गेट करना है, चूंकि मेरे पास ये पहले ही ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इस वजह से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। जब ओपन किया जाएगा तो आप सर्च बार में जाकर अपनी मर्जी का कोई गाना लिखेंगे और गाना वो जब प्ले हो जाएगा तो उसे इस तरह से प्ले करने के बाद आप उसे बार से हटा भी सकते हैं, यानी वो गाना भी चलता रहे और आप अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू करें। अब बाकी एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ शामिल हो सकती हैं, यानी आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहें, आप फेसबुक इस्तेमाल करना चाहें या कोई और सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करना चाहें, तो वो भी साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस बात का भी ख्याल रखिए कि जब आप इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस मिलती हैं, यानी आप सर्च बार में तो जो जाकर अपनी मर्जी का गाना आपने सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट कर लिया, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप उसे ऐड टू प्लेलिस्ट यानी अपनी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं और लाइब्रेरी में भी ऐड कर सकते हैं, यानी लाइब्रेरी में भी ऐड किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो और ऑप्शंस मौजूद हैं वो ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि जो आप अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे, म्यूज़िक लाइब्रेरी बनाएंगे, उस म्यूज़िक लाइब्रेरी को अगर आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, एक वर्जन से दूसरे वर्जन में शिफ्ट करना चाहेंगे तो वो भी किया जा सकता है, वो भी इसकी सेटिंग्स में ऑप्शन मौजूद हैं। इसके साथ साथ तीन किस्म की इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी नेट स्पीड को देखते हुए भी, क्वालिटी को देखते हुए भी तीन किस्म की ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी लो, मीडियम और हाई। यानी अगर आपके पास 3G डाटा आ रहा है तो आप 3G डाटा को इस्तेमाल करते हुए लो पर इस्तेमाल करना चाहें तो भी ठीक है, मीडियम को इस्तेमाल करना चाहें तो भी ठीक है, और इसके साथ साथ हाई रेजोल्यूशन की ऑडियोज़ वीडियोज़ अगर सुनना चाहते हैं तो भी ये आप पर मुनहसर है। बुनियादी तौर पर ये जो ऑप्शन इस ऐप के ज़रिए दी गई है, ये ऑप्शन इसलिए दी गई है कि आप इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए अपने इंटरनेट डाटा को इंटरनेट बंडल जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मंथली इस्तेमाल करते हैं या डेली का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बचत कर सकते हैं, उसकी भी बचत की जा सकती है। ये तो जनाब इसका आम सा आप कह सकते हैं कि तारुफ था इस ऐप का, लेकिन अब आप बगैर किसी ताखिर किए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप को इस्तेमाल करें और उसके बाद आप रेटिंग भी दीजिए, अपने कमेंट से भी आगाह कीजिए कि इस एप्लीकेशन को आपने कैसा पाया और इस एप्लीकेशन के बारे में अपने दोस्तों को भी आगाह कीजिए। जब आप लोग इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हों या इस्तेमाल कर चुके हों तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी आगाह कीजिएगा ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तमाम जो चीज़ें हैं वो आप तक नई से नई चीज़ें आपको पहुंचाई जाती रहें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।